कुछ भी करके बस जियो को चलने नहीं देना। तो क्या बेवकूफ़ी होगी जियो की प्राइम सर्विस लेनी 1 अप्रैल से, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज आ चुकी है, एयरटेल आ चुकी है, वोडाफोन आ चुकी है, आइडिया आ चुकी है, वो सब कहने में लगे हैं डोंट यूज जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन या डोंट बाय जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन, पर क्या सच में? तो इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, वो सब प्लान्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखते रहिए इस वीडियो को मेरे साथ, मैं हूँ मनोज और आप देख रहे हैं चैकी टीवी। तो जैसे ही जियो अपने प्राइम सब्सक्रिप्शन के प्लान लेके आया, उसके कुछ ही टाइम बाद एयरटेल, वोडाफोन इन सब ने झड़ी लगा दी अपने प्लान से। तो सबसे पहले जानते हैं कि जियो प्राइम सर्विस जो आपका एक बेसिक और एक नॉर्मल प्लान है जो 303 रुपये का है, वो आपको क्या क्या चीज़ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो प्लान है वो 303 रुपये का, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। 28 GB आपको प्रोवाइड करेगा पूरे मंथ के लिए, जिसमें 1 GB पर डे की लिमिट होगी, 28 दिन का आपका वो वैलिडिटी होगी। तो ये तो रही जियो की बात, इसमें आपको फ्री वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी। ये तो आपको पता ही होगा, जियो की सभी कोई भी प्लान ले लीजिए, जो बेसिक प्लान है 149 का, उसमें भी आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगी। तो ये तो रही जियो प्राइम की बात, जो 303 का प्लान है। तो इसी रेंज में हम देखेंगे कि कौन सी प्लान या फिर कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद चलते हैं एयरटेल का जो प्लान है, एयरटेल का प्लान है 345 का, जो आपको 28 GB डाटा प्रोवाइड करता है 1 महीने के लिए। लोग सोचते हैं कि एयरटेल अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ और काफ़ी जगह पे उसके नेटवर्क काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट है इंडिया में। तो लोग काफ़ी, और आजकल एयरटेल काफ़ी मैसेज करने में लगा है कि आप एयरटेल में शिफ्ट हो जाइए अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम 345 में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 28 GB 4G डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर इसके पीछे कुछ हिडन चीज़ें हैं, जो है कि आपको जो 28 GB आपको डाटा प्रोवाइड करेगा एयरटेल 345 के प्लान में, तो उसमें आपको जो डाटा होगा पर डे 1 GB की लिमिट होगी। पर 1 GB की लिमिट भी बांट रखी है किस तरीके से, मतलब कि 500 MB जो डाटा आपको मिलेगा वो खाली दिन में यूज़ करने को मिलेगा, जो होगा सुबह 6 बजे के बाद से और रात के 12 बजे से पहले पहले आपको 500 MB यूज़ कर सकते हैं खाली उस टाइम के दौरान। तो उसके बाद आते हैं रात के बाद, रात में आपको 12 से सुबह 6 बजे तक 500 MB फिर मिलेगा, जो टोटल हो गया है 1 GB करीब। तो जिससे आप, इन्होंने टोटली कर दिया कि हम 28 GB डाटा दे रहे हैं, जिसमें 500 MB डाटा होगा दिन में 6 से रात के 12 बजे तक और रात में 12 बजे से 6 बजे तक। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई, ये चीज़ टर्म कंडीशन में कई छोटी सी लाइन में लिख देते हैं, बताते नहीं लोग। तो उसके बाद आता है वोडाफोन का प्लान, वोडाफोन आपको देता है 346 में वही 28 GB 4G डाटा है, जिसमें 1 GB पर डे की लिमिट होगी और 28 डेज का ये भी सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब कि पर मंथ के हिसाब से 346 रुपीज़। तो वोडाफोन आप ले सकते हैं अगर आपके एरिया में स्ट्रेंथ अच्छी है वोडाफोन की, तो इसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। उसके बाद बीएसएनएल आपको देता है 339 में प्लान, जो आपका इसमें भी होगा, उसमें आपको मिलेगा 56 GB डाटा पर मंथ, जिसमें 2 GB की लिमिट होगी पर डे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बीएसएनएल जो ये प्लान दे रहा है काफ़ी तगड़ा प्लान है, जियो से काफ़ी जगह पे काफ़ी आगे निकल जाता है। पर अब बात आती है कि बीएसएनएल की स्ट्रेंथ कहाँ है, नेटवर्क कहाँ है बीएसएनएल का। अगर आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तब भी आप देख पाएंगे आपके बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं आ रहा होगा, और दिल्ली में बीएसएनएल तो है ही नहीं, दिल्ली मुंबई वालों के लिए ये प्लान वेस्ट है क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं बीएसएनएल। उसके बाद चलते हैं आइडिया की तरफ, आइडिया आपको देता है 348 में प्रीपेड 14 GB डाटा, जिसमें 500 MB पर डे की लिमिट है। तो ये तो प्लान यहीं से ही निकल जाता है, क्योंकि 500 MB की जो लिमिट है ये कुछ एयरटेल जैसी लिमिट कर रही है, बस एयरटेल ने बीच में नाइट डाटा 500 MB को डाल दिया, जो काफ़ी लोगों के लिए शायद यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि लोग ज़्यादातर दिन में यूज़ करते हैं, तो ये टर्म कंडीशन के अंदर रखा है। तो अभी भी बात आती है कि क्या आपको जियो प्राइम सर्विस लेना बेवकूफ़ी होगी, तो इसके बारे में अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर आप खासकर दिल्ली या मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए जियो प्राइम सर्विस काफ़ी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इतने प्राइस में और कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके एरिया में स्ट्रेंथ कैसी है जियो की, जियो काफ़ी इंप्रूव कर रहा है डे बाई डे और काफ़ी अच्छी सर्विस उसकी हो रही है, क्योंकि पहले कॉल्स नहीं मिलती थी, अब एक बारी में कॉल्स मिल जाती है। तो अगर आप जियो यूज़ नहीं कर रहे, अगर आपको लगता है कि आपको जियो प्राइम सर्विस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके एरिया में जियो की जो स्ट्रेंथ है, नेटवर्क स्ट्रेंथ है, वो अच्छे नहीं है, तो आप एयरटेल में शिफ्ट हो सकते हैं। पर अगर आप दिल्ली मुंबई से बाहर भी है, दिल्ली मुंबई से बाहर वालों के लिए एक और अच्छी बात यह है, क्योंकि बीएसएनएल ने 339 में जो प्लान निकाला है 56 GB आपको दे रहा है, जो काफ़ी बड़ा डाटा बोलूँ मैं 56 GB 339 प्राइस में, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है अगर आप दिल्ली मुंबई से बाहर रहते हैं, मतलब कि आप कोई भी जो
स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आपका BSNL के स्ट्रेंथ है, आप BSNL रेंट ट्रक यूज कर सकते हैं। तो 2 GB जो डाटा पर डे की लिमिट है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और 28 दिन का इसका भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जो पर मंथ के हिसाब से ही होगा। तो ये BSNL ने तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ निकाली है, बस ये बात है कि इसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ का होती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपके सब डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको 1 अप्रैल से जियो प्राइम का सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कराना चाहिए, जो उसके प्लान्स को एक्टिवेट कराना चाहिए, ये नहीं कराना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सभी लोग जान पाए कि क्या हिडन टर्म कंडीशन है बाकी जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी और जियो की, और कौन से प्लान लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, और काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, फिर जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही होती है इस वीडियो की एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में।